हालेलुया 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 आमीन 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 हालेलुया आमीन। आए मेरे सांस निकाले जबूर सौ जो खुदावंत का जिंदा कलाम है। ऐ अहले ज़मीन सब खुदावंत के हजूर खुशी का नारा मारो, खुशी से खुदावंत की इबादत करो, गाते हुए उसके हजूर हाजिर हो। जान रखो के खुदावंत ही खुदा है, उसने हमको बनाया, हम उसके लोग और उसकी चरा गाँव के भेड़े हैं। शुक्रगुजारियां करते हुए उसके फाटकों में और हम्द करते हुए उसकी बारगों में हाथ दाखिल हो और उसका शुक्र करो, क्योंकि खुदावंत भला है, उसकी शफकत अपनी है और उसकी वफादारी पुष्ट दर पुष्ट रहती है। आमीन हालेलुया। खुदा बाप खुदा बेटे खुदा पाक रूह कुदस यीशु मसीह नासरी के नाम से खुदावंत मेरा दिल तेरी शुक्रगुजारी से भरा। खुदावंत आज की सुबह के लिए, खूबसूरत दिन के लिए, नई रोशनी के लिए खुदावंत जो तूने आज का दिन हमारी जिंदगी में दिया है खुदावंत। इसी तरह जलाल के बादशाह हैकल के अंदर लोग जितने लोग इस वक्त तेरे चर्च के अंदर मौजूद है, जो रास्ते में हैं, उनके लिए खुदावंत तेरी बरकत चाहता हूँ। और देख खुदावंत जलाल के बादशाह जिसके मुंह पर तेरा कलाम है, मैं उसके लिए तेरी बरकत चाहता हूँ। साउंड सिस्टम के लिए तेरी बरकत चाहता हूँ। क्वायर के लिए और तेरे खादिम मजीद महकल साहब के लिए जो प्रश्नश वक्त करते हैं हर रोज तेरी हैकल में, तेरी प्रश्नश की माला मेरे यीशु को पहनाते हैं। खुदावंत तेरे खादिम के लिए मैं तेरा शुक्र करता हूँ। इसी तरह खुदावंत खुद तेरे खादिम सीनियर पास्टर फजल साहब के लिए बरकत चाहते हैं, उसकी मिसेस के लिए बरकत चाहता हूँ। खुदावंत पाक खुदावंत छू और बरकत है। इसी तरह पास्टर शौकत साहब के लिए, उसकी मिसेस के लिए और खुदावंत उनके बच्चों के लिए तेरी बरकत चाहता हूँ। अटर्नल मिनिस्ट्री के तमाम खादिमों के लिए तेरी बरकत चाहता हूँ। पाक रुकुदे छू और बरकत है। और जितनी देर तक हम तेरे मजबा में रहें, तेरा पाक रुकुदस हमारे साथ हो, यीशु के नाम से आमीन। इसी तरह हम क्वायर के साथ प्रश्नश में आगे बढ़ेंगे, जो खुदा ने हमें मौका दिया है कि हम शुक्रगुजारी प्रश्नश के जरिए खुदा भी शुरू करें। आमीन। अपने
हमारी आवाज का जवाब देता है। इसी तरह हम क्वायर के साथ और प्रश्न में आगे बढ़ेंगे, जो उनके पास जबूर जा की तो और आगे बढ़ेंगे प्रश्न में। हेलो, ये हम खुदा की प्रश्न की साइश आपकी जबान से
खुदा की ब्लेसिंग आप मांगे। आज का कलाम आप सब के लिए बाइक से बरकत हो। आज के कलाम के वसीले खादिम के लिए दुआ करें कि आज के कलाम के वसीले खुदावंद अपने खादिम को भी बरकत दे। इसी तरह बेटी शायर के साथ जो खुदा की खादिम है कलाम के लिए दुआ करें। उसकी हसूरी हमारे दरमियान में मौजूद है। वो आपको बरकत देने के लिए इस जगह पर लेकर आया है ताकि आप खुदावंद के कलाम को सुनकर अमल कर सके। दाहिना हाथ उठाइए, मेरे पीछे एक दुआ कीजिए। आसमानी बाप, हम सब अपने आप को तेरे ताबिया करते हैं। हम सब से कलाम कर, हम तेरे कलाम को सुनने के लिए आए। खुदाए पाक रूप हमारे जहनों को खोल दे और हम अमल करें और हमेशा की जिंदगी के वारिस करें। आमीन। हालेलुया। आइए खुदाए पाक रूप के लिए जोरदार तालियां बजाएं। खुदावंद का शुक्रिया अदा करते हैं। हमारा खुदा बड़ा अजीम है जो हर वक्त हमारी फिक्र करता है। खुदावंद हमारी क्या करता है जी? फिक्र करता है। कितने लोग समझते हैं खुदा हमारी फिक्र करता है? आमीन। गुड। और बाइबल बयान कर दिया कि जिन जिन से खुदा मोहब्बत करता है उनको खुदा तंबीह करता है। सारे बोलेंगे जिन जिन से खुदा मोहब्बत करता है वो क्या करता है? खुदा उन्हें तंबीह करता है। हालेलुया। और हर रोज हमारी यहाँ पर क्या की जाती है? तंबीह की जाती है। तंबीह क्यों की जाती है? क्योंकि खुदा हम सबसे क्या करता है? प्यार करता है। जब बेटा गलत काम करता है तो जो बाप है क्या करता है? उसे सारे बोलिए तंबीह करता है। तंबीह क्यों करता है? इसलिए कि मेरा बेटा दुरुस्त रास्ते पर चले, ये परेशान ना हो, ये बहुत ज्यादा तकलीफ में ना आए।
साथ आप निकाल सकते हैं जबूर की मुकद्दस की किताब जबूर 119 और उसकी 9वीं आयत। मैं खुदा के कलाम मुकद्दस में से आपके सामने तलावत करूंगा। जबूर 119 उसकी 9वीं और 11वीं आयत हम पढ़ेंगे। लिखा है कि जवान अपनी रफ्श किस तरह पाक रखे। आगे सवालिया निशान लिखा है, तेरे कलाम के मुताबिक उस पर निगाह रखने से। यारवीं आए, मैंने तेरे कलाम को अपने दिल में रख लिया है ताकि मैं तेरे खिलाफ गुनाह ना करूं। कलाम मुकद्दस का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाय से बरकतों खुदावन का शुक्र हो। मेरे अजीज बहनों और भाइयों, ये मोबाइल भाई मुझे दे दीजिएगा। यहां पर लिखा है कि जवान अपनी रफ किस तरह पाक रखे। ये एक सवालिया निशान है, अपनी अपनी बाइबल में आप देख सकते हैं। और आज ये सवाल भी और जवाब भी इसी वर्ष के अंदर हमें मिलता है। और आज हम चंद मिनट खुदावन के मुकद्दस कलाम में से सीखेंगे कि हम कैसे ठीक हो सकते हैं। हमारे ऊपर जो बोझ है, हम मेरे से गलतियां हो जाती हैं, ये क्यों हो जाती हैं? आज हम गौर करेंगे और हम बरकत पाएंगे। कलाम ये फरमाता है कि जवान अपनी रफ किस तरह पाक रखे। मेरे अजीज बहनों और भाइयों, आज मुझे और आपको सीधा रास्ता दिखाने के लिए खुदा ने अपना कलाम मेरे और आपके हाथों में दिया हुआ है। खुदा का कलाम जो है ये हमें सीधी राह दिखाता है। खुदा का कलाम जो है वो हमें ताजगी बख्शता है। खुदा का कलाम जो है वो हमारी शान बीट करता है, इसलिए ताकि हम टेढ़ी राहों पर ना चले। खुदा का कलाम इसलिए हर रोज यहां पर शेयर किया जाता है कि हम बरकत पाए। खुदा इसलिए आपको यहां पर मुक्ति जगह से लेकर आता है ताकि आप बच जाए, हलाक ना हो। बाइबल मुकद्दस के अंदर पत्रस के साथ और बड़े शीर जमा जब बातचीत खुदावन यीशु मसीह कर रहे थे तो बहुत से लोग कलाम को बर्दाश्त नहीं कर सकते, क्योंकि ये कलाम की बातें जो है ये सब बातें हैं और इन पर हमने क्या करना है, अमल करना है। और कलाम मुकद्दस के अंदर क्या लिखा है कि जब शिगिर्दों के साथ बातचीत हो रही थी तो सारे उठकर चले गए, तो खुदावन्द यीशु मसीह ने कहा पत्रस से कि तू भी जाना चाहता है तो चला जा। लेकिन उसने जवाब ये दिया, जवाब क्या दिया कि जिंदगी की बातें तो तेरे पास है, हम तुझे छोड़कर कहां जाए। मेरे से खुदा से जुदा होकर मौत से आपकी मोहब्बत हो जाएगी। जो लोग खुदा को छोड़ देते हैं उनकी मेरे से मौत के साथ, परेशानियों के साथ, गुर्बत के साथ, तमाम टेंशनों के साथ रफाकत हो जाती है। लेकिन अब जब अब खुदा आपके साथ होगा तो ये सारी चीजें आपसे भागती रहेंगी और खुदा आपको फतामंदी देगा, खुदा आपको कामयाबी देगा। कैसे ये सारी बरकतें हम हासिल कर सकते हैं? खुदा के कलाम पर निगाह करने से। लिखा जुबान अपनी रफ किस तरह पाक रखे, ये सवाल है। और सवाल खुदा का कलाम मेरे और आपके सामने खुला हुआ है कि कैसे हमारी रफ्श दुरुस्त हो सकती है, कैसे हमारा चाल चलन दुरुस्त हो सकता है, कैसे हम बुलंदियों पर जा सकते हैं, कैसे खुदा हमारी मदद कर सकता है। वो इस तरीके से खुदा के कलाम पर निगाह करने से। हम कहते हैं कि हम कैसे बच सकते हैं, लेकिन याद रखिएगा खुदा का जिंदा कलाम आपके सामने खुला हुआ है कि हमारी रवश किस तरह पाक हो सकती है। बाइबल मुकद्दस के अंदर खुदावन खुद फरमाते हैं कि खुदा किन की तलाश करता है, जवानों की।
जवानों की तलाश खुदा करता है, क्यों करता है? इसलिए कि मेरा काम करे। मुझे और आपको दुनिया के अंदर भेजा गया इसलिए ताकि हम खुदा की खिदमत करें, उसके नाम को जलाल दें। और कलाम ये फरमाता है कि कैसे हमारी नफ्सें ठीक हो सकती हैं। लेकिन आज मैं तमाम जितने भी फेसबुक पर मुझे देख रहे हैं या यहां पर बैठे हैं, हमारी निगाहें कहां पर है? आज इस बात पर थोड़ी देर के लिए तवज्जो कीजिए, आपके बच्चों की निगाहें कहां पर है, आपकी निगाहें कहां पर है? हम क्यों नक्शों पर कंट्रोल नहीं पा रहे? क्यों अपनी दिन ब दिन हमें नीचे नीचे किए जा रहे हैं? इसलिए मेरे सिद्धो, क्योंकि हमारी नक्शे दुरुस्त नहीं है, हमारा चाल चलन दुरुस्त नहीं है, इसलिए हमारे ऊपर हलाकते और परेशानियां हैं, मौत से मोहब्बत करते हैं। क्योंकि खुदा से हम क्या करते हैं? जुदाई। जुदाई कैसे करते हैं? जब हम कलाम पर अमल नहीं करते। और कलाम कहता है जुबान अपनी रवश किस तरह पाक रखे। आज ये सवाल है, आज हमारी निगाहें कहां पर लगी हुई है? हमारी निगाहें मोबाइल फोन पर लगी हुई है। लोगों की निगाहें कलाम से हटकर मोबाइल फोन पर लगी है। ये गौर कीजिए आप मेरे सिद्धो, इसको गलत तरीके से भी यूज कर सकते हैं और बेहतर तरीके से भी नेट को यूज कर सकते हैं, लेकिन अच्छे तरीके के लिए यूज नहीं किया जाता। रात के पैरों के अंदर नौजवान ये मोबाइल को लेकर बिस्तर के अंदर मुक्ति फौज जगह ऐसी ऐसी जगह तलाश करते हैं जहां पर उनके और कोई अजीज ना हो। निकाय कहां पर लगी है? गलत चीजों पर। बरकत कैसे आ जाए? कलाम फरमाता है कि जो निकाह खुदा के कलाम पर रखेगा वो ही उसकी रफ्शे ठीक रहेगी। आप दिन ब दिन रफ्शे ठीक नहीं हो रही। क्यों नहीं हो रही? क्योंकि हमारी निगाहें किसी और तरफ लगी हुई है। नौजवान बच्चे नाफरमान क्यों हो रहे हैं? निगाह और तरफ है। बदी को मेरे सामने घर में छुपाया हुआ है। मैं ये नहीं कहना चाहता कि आप मोबाइल अपने बच्चों को ना लेके दे, लेके दे, लेकिन उनको ये दुरुस्त बात क्लियर करें कि इसको गलत यूज आपने नहीं करना। एक वीडियो में देख रहा था, दो बच्चे होते हैं, एक बेटी और एक बेटा। जब वो स्कूल से आते हैं और बड़े अच्छे मार्क्स लेते हैं, उसका बाप फौरन उसे गले से लगाता और चूमता है और बड़ा खुश होता है कि मेरी बेटी फर्स्ट आई है, बड़ा खुश होता है। लेकिन उसने क्या किया बाप ने? बाप ने उसे फर्स्ट आने की खुशी में एक मोबाइल ले दिया। जब मोबाइल उसे ले दिया तो फिर दिन ब दिन क्या हुआ? क्या आप सोचते हैं कि वो उसकी तरबियत ठीक हो रही होगी कि नहीं? बताइए, जितने लोग कहते हैं उसकी तरबियत नहीं ठीक हो रही होगी, हाथ बुलंद कीजिए। ऐसा ही कुछ हुआ। वो क्या हुआ कि दोबारा फिर जब एग्जाम दिए तो जब अपने बाप के पास उसने देखा रिजल्ट को तो क्या थी पोजीशन? जीरो। अब गलती किसकी थी, बेटी की या बाप की? बताइए, बाप की गलती थी। क्यों बाप की गलती थी? क्योंकि अभी टाइम नहीं था कि उसे मोबाइल लेके देते। लेकिन वो बेटी जो थी, वो वीडियो में देख रहा था मैं कि वो रात के पहरों में वो मोबाइल के ऊपर गेम्स खेलना शुरू उसने की और तरह तरह की वीडियो देखना शुरू की। उसका ध्यान जो था वो क्या हो गया? हट गया पढ़ाई से और उसका ध्यान दुनियावी चीजों की तरफ लग गया। तो मेरे अजीजों क्या हुआ? वो उसकी पोजिशन जीरो है। आज आपके बच्चों की पोजीशन किस जगह पर है? सवाल यहां पर भी सवाल है, जवान अपनी रवश किस तरह पाक रखे? लिखते हैं कलाम के मुताबिक आपकी और मेरी, आपके बच्चों की निगाह कहां पर है? क्यों ये गलत बातें सीख रहे हैं? कहां से सीख रहे हैं मेरे सिजो? ये आंखों के जरिया से, कानों के जरिया से,
ये बच्चों के अंदर ट्रांसफर होती हैं बुरी बातें और फिर वो घरों को तबाह बर्बाद कर देती। निगाह कहां पर है? आज ये सवाल मेरा आप सबके सामने, निगाह कहां पर है? कलाम सुनाता मेरे ऊपर निगाह रखो, लेकिन हमारी निगाह कहां पर है? बुरी बातों की तरफ। नाकामी क्यों है? क्योंकि हमारी रोशनी ठीक नहीं है, हमारा चाल चलन ठीक नहीं है, हमारी रफ़ाक़त खुदा के साथ ठीक नहीं है, इसलिए सारी बर्बादियां। लोग कहते मैं कैसे बर्बाद हो गया, ये कैसे परेशानी मेरे घर पर आ गई, मेरे घर से सुकून चला गया है। सुकून इसलिए क्या चला है? इसलिए सारी चीजों ने बसेरा किया, क्योंकि आपकी निगाह किसी और तरफ चलेगी है। अगर निगाह खुदा के कलाम पर रखेंगे तो आप भलाई को पत्रस की निगाहें किस पर रही? यीशु पर। जब पानी से वो उतरा तो उसकी निगाहें यीशु पर चली गई, और जब तक आप यीशु पर निगाहें रखेंगे, मैं ईमान के साथ खुदा का खादम होने के नाते कहता हूं, आप कभी भी डूब नहीं सकते। आज डूबते क्यों लोग हैं? हमारी सोच कुछ और है, हमारे ख्याल कुछ और है। लेकिन पतरस ने क्या किया? निगाह किस पर रखी? यीशु पर रखी। कश्ती से तो निकल आया पानी पर, यह तो उसने बहुत बड़ा ईमान का इजहार किया कि निकल तो आया कश्ती से, यह बड़ा चाव से किया। लेकिन आगे जाके उसने बहुत बड़ा गलत भी कदम उठाया। गलत कदम उठाने से आपकी जिंदगी खतरे में जा सकती है, गलत कदम उठाने से आपके घर भी खराब हो सकते हैं, गलत कदम उठाने से आपकी जॉब भी जा सकती है, गलत कदम उठाने से आपके बच्चे भी नाफरमान हो सकते हैं, गलत कदम उठाने से आपकी जिंदगी हीरो से जीरो भी बन सकती है। क्यों? क्योंकि गलत कदम जब आप उठाएंगे तो फिर गलत आपके लिए दिन ब दिन होता जाएगा। कहते कि दिन ब दिन हम नीचे, पादरी साहब नीचे, पादरी साहब नीचे होते जाते हैं, नीचे इसलिए होते जाते हैं क्योंकि आपकी निगाहें मौत की तरफ लगी हुई है, खुदा के कलाम की तरफ नहीं लगी निगाहें। लेकिन कलाम ने सुनाता है कि जवान अपनी रवश किस तरह पाक रखे, और वो आगे आगे देखते हैं। जब वो पानी पर चलना शुरू किया तो जब तक तो निगाहें रही यीशु पर, वो क्या हो गया? चलता रहा। सारे बोले क्या करता रहा? चलता रहा। लेकिन जैसे ही नजरें हट गई तो फिर क्या हुआ जी? सारे बताएं, डूबने लगा। अब डूबते कौन है? वो डूबते हैं जो मेरे गलत निगाह पर असर करते हैं और गलत रास्ते पर चलते हैं। डूबते वो है क्योंकि उसने क्या सोचा? उसने कहा, ये बड़ी बड़ी लहरें आ रही हैं, ये तो मुझे मार देगी, मैं बचूंगा नहीं, मैं बच जाऊंगा। उसने जैसे ही सोचना शुरू किया वो डूबना शुरू हो गया। आज आप कहां पर हैं? सवालिया निशान लिखा है, जवान अपनी रवश किस तरह पाक रखे। आज हल भी मिल गया है, जवाब भी और सवाल भी और जवाब भी। इसी वर्ष के अंदर सारे बोलेंगे इस वर्ष को, जवान अपनी रवश, आवाज नहीं आई, सारे बुलंद आवाज के साथ जरा बोले, जवान अपनी रवश किस तरह पाक रखे? तेरे कलाम के मुताबिक इस पर निगाह रखनी, इस पर निगाह रखिए, पहाड़ मैदान हो जाएंगे। खुदा के कलाम पर निगाह रखिए, तूफानों के रुख मुड़ जाएंगे। खुदा के कलाम पर निगाह रखिए, गुर्बत भाग जाएगी। खुदा के कलाम पर निगाह रखिए, बीमारियां भाग जाएंगी। खुदा के कलाम पर निगाह रखिए, आपको खुदा बुलंदी बख्शे, खुदा आपको इज्जत बख्शेगा, खुदा आपको सरफराज करेगा, खुदा आपको
मिस्र को कभी भी मायूस नहीं होने देगा, हर हालात में खुदा की मदद करेगा। क्यों खुदा की मदद करेगा? क्योंकि अपना दिल आपने यीशु से लगाया। जब यीशु से दिल लगा लेंगे, वो आपको कूड़े से उठाकर तख्ते शाही पर बिठाएगा और शहंशाहों के साथ बैठ कर खाना भी खिलाएगा और आपको इज्जत बख्शेगा। आज मैं गौर करता हूं, जब मैं पास्टर अनोफर साहिब के साथ, पास्टर शोकत साहब के साथ बैठ के हम खाए पी रहे होते हैं, तो मैं इनको यही रुतबा देता हूं और मैं फील करता हूं। लोग तो दुनिया के बादशाहों पर निगाह करते, वो तो 7 साल 5 साल 10 सालों के बाद बदल जाते हैं, लेकिन खुदा के खादम हमेशा तरोताजा रहते हैं। और मैं जब बैठता हूं, मैं कहता हूं मैं शिकागों के साथ बैठ रहा हूं। पास्टर नुफर साहब बादशाह की सीट पर है। एक बहन कराची से आई, मुझे याद आया, वो पीछे वाले स्टेज पर मैं बैठा था। कहने लगी कि फादर साहब मुझे मिले नहीं, मैंने जाना है वापिस, तो प्लीज एक मैसेज आप पास्टर अनुफल साहब को दे दीजिए। मैंने कहा जी बताइए, जरूर मैं मैसेज दूं। कहने लगे कि उनको ये बताइएगा कि आप मसीही कौम के लिए बहुत बड़ा पिलर है, आप पिलर हैं। जैसे ये देखिए बिल्डिंग पिलरों पर खड़ी है, आप पास्टर अनुफल साहब ये पिलर हैं। ये तरीक के अंदर एक इनकी खिदमत को सहराया जाएगा और नस्लें याद रखेंगी फसल फैमिली को और को। आप टीवी को भी, आप इंग्लिश टीवी को देखते हैं, खुदा क्या कर रहा है, बढ़ा रहा है। क्यों? क्योंकि खुदा के खादम की निगाह किसी और पर नहीं, खुदा के कलाम पर निगाह है। इसलिए खुदा के खादम दिन ब दिन बढ़ रहे हैं, आगे आगे तरक्की पर तरक्की हो रही है। क्यों हो रही है? क्योंकि निगाह खुदा के कलाम पर है। छोड़ना चाहता हूं, अगर आपकी भी निगाह खुदा के कलाम पर होगी और आप भी जीरो से हीरो बन जाएंगे। आइए अपनी आंखों को बंद कीजिए। अगर आज तक आपने खुदा में जिंदगी भर सकी, यहां से नौजवान है कि जो हर वक्त बदी को देखते रहते हैं, जितने भाई बहने हैं, मैं आपके लिए एक छोटी सी दुआ करना चाहता हूं। अगर ऐसी जिंदगी है तो ये बेकार जिंदगी है मेरी बहन मेरे भाई। अय्यूब की किताब में लिखा, गुनाह तुम्हारे दरवाजे पर तख्ता बैठा, अपनी इज्जत को बर्बाद करना चाहता। बुरी निगाह से किसी चीज को देखेंगे आप, उस वक्त अपनी के शिकंजे के अंदर होते हैं, फिर आप उसे बच नहीं सकते। आइए आज अहद बांधिए कि गुलामन मेरी निगाह तेरे कलाम पर रहे, मैं तेरे कलाम पर रोज पढ़ू। आप तो छुड़ा फेसबुक पर देख रहा है, तू बात करना चाहते हैं, मैं आपको दावत देना चाहता हूं, आज मेरी बेटी आज मेरे बेटे वापिस लौटा। तेरा मुकाम ये जमीन पर नहीं आसमान। कलाम फरमाता है जुबान मेरे पीछे पड़े, जो चाहते हैं कि खुदा मेरी जिंदगी को बदल दे वो अपना दाहिना हाथ बुलंद करे। मैं आप सबके लिए दुआ करना चाहता हूं, जो फेसबुक पर है वो भी बुरी दुश्मनों को छोड़ दे और खुदा के कलाम पर निगाह लेकर आए। मेरे पीछे दुआ करें। आसमानी बाप, हम तेरे पास आते हैं, तेरा कलाम जो जिंदगी है, राहत है, इत्मीनान है, मैं तेरे कलाम को रिसीव करती करता हूँ। आज के बाद मेरी रविशें तेरे कलाम के मुताबिक होंगे। मेरे गुनाहों को माफ कर दे, बदी को दूर कर दे, मुझे बख्श दे, मुझे माफ कर, मैं तेरी हुजूरी के अंदर माफी की अपील करती करता हूँ। मुझे बख्श कर, मैं हमेशा निगाहें तेरे कलाम पर यीशु के नाम। खुदावंद आसमानी बाप, इन प्यारों ने जिन्होंने तौबा की है, इनकी जिंदगियों के माफी की अपील करता हूँ। ये निगाहें फिर हमेशा तेरे कलाम पर रखे यीशु के नाम। खुदावंद आप सबको बड़ी बड़ी जोरदार तालियां खुदा के खादिम के लिए, जिंदगी बख्श जिंदा कलाम के लिए। और आए मेरे अजीजों, आप
हम अपने हदिये और नजराने के लिए पास्टर लियाकत साहब को दावत देते हैं कि वो हदिये का गीत गाएंगे और अपनी मुट्ठी को खोले जो खुदा ने आपको दिया है। सब का मन शाम मेरी बहन के जैसे पर हम के कोरोना बहुत सुन के ना वहां का भी शाम
शकल साहब को भी दुआ चलाई मैं क्या खुलाया मेरे बच्चे बच्चों की खानदान की हिफाजत करे फिर मैं दुआ करूँगी खुदा का शुक्र है खुदा ने ऐसा ही किया खुदा सब की हिफाजत करे आमीन आमीन इसी दौरान आपके कदमों पे खड़े हो और आपकी जोरदार तालियों में खुदा के अजीम खादिम पास्टर शाम के साथ को स्टेज पर दावत देते हैं यीशु मसीह के बाबरकत और पुरफजल नाम में आप सबको सलाम आप सबको वेलकम और खुश आमदीद कहते हैं खुदावंद आपको बहुत ज़्यादा बरकत दे और आज के दिन के लिए आप सबको मुबारकबाद पेश करते हैं जो खुदावंद ने हम सब के लिए इनायत किया। कितने बहन भाइयों ने क्लाब के वसीला से बरकत पाई है भाई जोरदार तालियां बजाइएगा क्लाब मुकद्दस के लिए शुक्रगुजारी के तौर पर सब खादम खादमाएं आगे आ जाए बिलखसूस परवेज और मेरी बहन आप इस्लामाबाद से तशरीफ लाए हमारे साथ भैया के ऊपर आज हम आपको मखसूस करेंगे भाई परवेज साहब ने इस्लामाबाद के अंदर आगे आ जाए इन्होंने इटर्नल लाइफ चर्च का आगाज किया ब्रांच का इस्लामाबाद के अंदर और पास इमानुअल मंजूर साहब वहाँ पर इनके पास खिदमत के लिए जाते हैं सो आज इनको हम ब्लेस करेंगे बरकत देंगे इससे पीछे कि हम इनके लिए दुआ करें बरकत चाहें मेरे भाई जान हमीद साहब की आज बर्थडे है सो उनको हैप्पी बर्थडे विश करते हैं और उनके लिए दुआ करेंगे खुदा उनको उम्र की दराज से पीरी सलामती इनायत करें और बहन किरण है उन्होंने लिखा कि पास्टर साहब मेरे बेटे की भी आज बर्थडे है सो उनके लिए भी जरूर दुआ की जाए और ख़ास तौर पर मेरे भाई पास्टर फ्रांसिस पॉल साहब का पोता ठीक नहीं है उनके लिए भी हम दुआ करेंगे बरकत चाहेंगे लेकिन आप जितने फेसबुक के जरिए से देख रहे हैं आप सबको वेलकम और खुश आमदीद कहता हूँ खुदावंद आपको बहुत ज़्यादा बरकत दे मेरे मेहबतर सियाज साहब आप अमेरिका से हमारे साथ हैं आपको वेलकम और खुश आमदीद कहते हैं बहन यास्मीन गिल आप भी अमेरिका से हैं आपको भी वेलकम और खुश आमदीद कहते हैं मेरी बहन मरियम पत्रस आप भी अमेरिका से आपको वेलकम और खुश आमदीद कहते हैं खुदावंद आपको बहुत ज़्यादा बरकत दे मेरी बहन महरीन खान आप अमेरिका से हैं आपको भी वेलकम और खुश आमदीद कहते हैं बहन निकल आप भी अमेरिका से हैं सो खुदावंद आपको बहुत ज़्यादा बरकत दे खुदावंद आपकी मदद और रहनुमाई करें बहन बुश्रा आप यूके से हमारे बहन बुश्रा आप कैनेडा से हमारे साथ हैं आपको वेलकम और खुश आमदीद कहते हैं बहन आपदा आप यूके से हैं खुदावंद आपको बहुत ज़्यादा बरकत दे और मेरे भाई तिमोथियस भट्टी साहब आप इटली से हमारे साथ हैं देखें आज आपके वाले साहब प्रवेश साहब चर्च में मौजूद हैं और आप इटली से हमारे साथ हैं खुदावंद आपको बहुत ज़्यादा बरकत दे खुदावंद आपकी वहाँ पर मदद और रहनुमाई करें बहन नरगस आप जर्मनी से हैं सो आपको भी वेलकम और खुश आमदीद कहता हूँ खुदावंद आपके साथ हो बहन अनिला युकुब आप दुबई से हैं सो खुदावंद आपके साथ हो मेरी बहन मिशेल आप सऊदी अरेबिया से हैं खुदावंद आपको बहुत ज़्यादा बरकत दे आपको भी वेलकम और खुश आमदीद कहते हैं बहन मरियम आप मलेशिया से हमारे साथ हैं आपको भी वेलकम और खुश आमदीद कहते हैं और इसी तरह बहन नसीम लाल फैमिली आप थाईलैंड से हैं और आपने लिखा है कि आज मेरे बेटे जिशान की तेल मेहंदी है सो जिशान के लिए भी दुआ करेंगे जो कि इस वक्त हमारे साथ हैं थाईलैंड से सो आज आपकी तेल मेहंदी है सो आपके लिए बरकत चाहेंगे दुआ करेंगे ताकि खुदा का पाक रू आपकी शादी के अंदर आपकी मदद और रहनुमाई करे और जितने भी आप पाकिस्तान से देख रहे हैं लाहौर से हैं पाकिस्तान के तमाम शहरों से हैं और भी जितने
जितने बैरूनी मुल्कों से हैं, तो मैं आप सबको वेलकम और खुश आमदीद कहता हूँ। आइए इतने भी जोरदार तालियां आप बजा दीजिएगा जो बैरूनी मुल्कों से हैं, दूर दराज से हैं। खुदा इन सबको बड़ी बरकत बख्शे। आइए मेरे अज़ीज़ों, एक लम्हा के लिए अपने दाहिने हाथ को बढ़ाइएगा। हम अपने प्यारे भाई परवेज को, प्यारी बहन को मखसूस करेंगे। मैं चाहूँगा कि सब खादिम जो है वो आगे आ जाए, के ऊपर हाथ रखें, हम तेल के साथ इनको मसा करेंगे। जबकि इंटरनल चर्च का आगाज जो है इन्होंने इस्लामाबाद के अंदर किया है पास्टर मैनुएल साहब की रहनुमाई में, तो हम इनकी सारी टीम के लिए बरकत चाहेंगे। आए सब अपने दाहिने हाथ को बढ़ाइएगा, हम मिलकर इनको बरकत देंगे। खुदा बाप, खुदा बेटे, खुदा कुदस पाक, खुदा हम सारे खादम पूरी कलीसिया के साथ मिलकर हम इस जोड़े को बरकत की दुआ देते हैं खुदा। और जब के दी खुदा फेसबुक के जरिए से भी जितने खादमें दी खुदा बहने भाई देख रहे हैं, जबकि उन्होंने भी अपने दाहिने हाथ को इस जोड़े की तरफ बढ़ाया है खुदा, वहाँ परे भाई प्रवीण को इनकी मिसेस के लिए और इसी तरह पास इमानुएल मंजूर साहब को, तीनों को बरकत देते हैं। जबकि इस्लामाबाद के अंदर इटर्नल लाइफ चर्च का आगाज किया गया, तो मैं तेरा खादम होने के नाते से इनको बरकत की दुआ देते हैं खुदा। और मिलकर दे खुदा इस आयल के साथ इनको बाप और बेटे और रुकुस के नाम से ब्लेस करते हैं, बरकत देते हैं खुदा, ताकि यीशु मसीह नासरी के नाम से खुदा तेरा पाक रो इनकी जिंदगियों के अंदर अंजलाली काम करे खुदा, और ये तेरे नाम में फतह पाए। ये हाथ जिसके ऊपर हाथ रखे, ये हाथ जिसकी तरफ भी बढ़े, यीशु के नाम से वो बरकत पाए। इन हाथों को खुदा मैं ब्लेस करता हूँ, बरकत देता हूँ खुदा, ताकि मेरी बहन जिस पर भी हाथ रखे तेरा पाक रूह उसकी जिंदगी के अंदर काम करे। मैं तेरा खादिम होने के नाते से खादिमों के साथ कलीसिया के साथ मिलकर इस जोड़े को बाप और बेटे और रूह कुदस के नाम से खिदमत के लिए मखसूस करता हूँ, बरकत देता हूँ यीशु के नाम में। आमीन। अपनी आंखों को बंद रखिएगा, अपने सरों को झुकाए रखिएगा। वक्त के आप जो बीमार हैं आपके लिए दुआ की जाए। भाई मेरे अज़ीज़ों, अचानक भी आप फील करते हैं कि आपके बदन में बीमारी है, भाई अपने दाहिने हाथ को अपनी बीमारी की जगह पर रख लीजिए। अगर आपकी ख्वाहिश है, आपके दिल की मुराद है, तो ईमान के साथ अपने दाहिने हाथ को अपने दिल के ऊपर रख लीजिए। हम सारे खादिम खादिमे मिलकर आपके लिए बरकत चाहेंगे, दुआ करेंगे। खुदा बाप, खुदा बेटे, खुदा कुदस पाक, खुदा हम बड़ी आजसी इनके सारी फरोतनी के साथ तेरे पास आते, तुझे मुबारक कहते हैं खुदा, और इस सारे वक्त के लिए हम तेरा शुक्रिया अदा करते हैं खुदा, जो तूने हमारी जिंदगियों के लिए इनायत किया खुदा, तूने हम सबको जिंदों की जमीन पर रखा खुदा, और मौका दिया ताकि हम तेरी हजूरी में आकर तुझे मुबारक कह सके, तेरी तारीफ कर सके, क्योंकि तू ही हम तारीफ रस्श और सिफारिश के लायक है खुदा। हम तेरे शुक्र गुजारी करते हैं आज की सारी देखुदा वर्षों के लिए पाखुदा, बस मजीद माइकल साहब के लिए, तमाम खादिमों के लिए, म्यूजिशियन के लिए, लियाकत साहब के लिए, ये सब ने मिलकर वर्षों की हम तेरा शुक्रिया अदा करते हैं। इसी तरह देखुदा मेरे भाई सादर साहब के लिए जिन्होंने मीटिंग को लीड किया, हम उनके लिए भी तेरी खास बरकत चाहते हैं पाखुदा। इसी तरह अपने प्यारे भाई मैनुएल मंसूर साहब के लिए जिन्होंने तेरे जिंदगी बख्श कलाम को यहाँ पर बयान किया, और तेरे बेटे बेटियों ने
हम सब ने बरकत को ब्लेसिंग को रिसीव किया, तेरा शुक्रिया अदा करते हैं। इसी तरह देव खुदा अब वो तमाम बहने वो भाई बेटे बेटियां अगर से जो बीमारी के अंदर है खुदा, जिन्होंने ईमान के साथ अपने दहने हाथ को अपनी बीमारी की जगह पर रखा है, तो हम सारे खादम मिलकर पूरी कलीसिया के लिए तेरी बरकत चाहते हैं, तेरे मस्सा को चाहते हैं, क्योंकि खुदा तू शाफी है, तू बाप है, तू जिंदा खुदा है, तू सब कुछ करने की कुवत और कुदरत रखता है। हम तेरे खास मस्सा को चाहते हैं। इस वक्त जहां जहां पर तेरे बेटे और बेटियों ने अपने दहने हाथ को अपनी बीमारी की जगह पर रखा है, तो हम तेरी बरकत चाहते हैं। अगर जिन्होंने अपने दहने हाथ को अपने दिल के ऊपर रखा पाप खुदा, हम खादम नहीं जानते कितने प्यारे क्या क्या दिल की मुराते लेकर तेरे पास आए, तेरी हंसूरी में चुके, लेकिन देव खुदा तेरा पाकरू जानते हैं आज जो भी इनके दिल की मुराते हैं, लाते हैं, सोचे हैं, ख्यालात हैं, मंसूबे हैं, तो आज ही इनके लिए तेरा आसमान खुले और तेरा जलाल देखे। इसी तरह खुदा आज की सारी एप्लीकेशंस के लिए हम तेरे मस्सा को चाहते हैं। अगर से जो कुछ भी इन सारी एप्लीकेशंस के अंदर लिखा गया पाप खुदा, तो हम तेरे मस्सा को चाहते हैं। इन सारी प्रेरकस के वसीला से तो अपने नाम को जलाल देना, तेरा पाकरो पता से पढ़कर गलबा अदा करे। अगर बहुत सारी बहने भाई ना बुजुर्ग बच्चे बेटे बेटियां परेशानी के अंदर है, मुश्किल के अंदर है, बीमारियों के अंदर है, और पैसे के जोड़ है, चोरी के इल्जाम लगे, उन्हें मुल्क जाना चाहती है, औलाद नहीं है, जोड़ों के अंदर बेद तकलीफ है, घरों के अंदर लड़ाई झगड़ा है, वो सब लोगों जा पहुंची। अगर जो बहुत कुछ लिखकर इन सारी एप्लीकेशंस के अंदर पेश किया गया, तो हम तेरे मस्सा को चाहते हैं, ताकि आज की सारी प्रेयर कैस्ट के वसीला से ये तेरे प्यारे तेरा जलाल देखे। पास्टर फ्रांसिस पॉल साहब के पोते के लिए अगर जो वो ठीक नहीं है, उसके लिए तेरी बरकत चाहते हैं। हमीद मसीह साहब के लिए जिनकी आज बर्थडे है पाप खुदा, हम तेरे बंदा के लिए उम्र की दराजी फेरी सलामती को चाहते हैं, और जिस बहन किरण ने लिखा कि मेरे बेटे की आज बर्थडे है, उसके लिए तेरी खास बरकत चाहते हैं। इन सारी एप्लीकेशंस के वसीला से तेरा पाकरो इनकी जिंदगियों के अंदर अंजलि काम करे और ये तेरे नाम में फतह पाए। इसी तरह देख खुदा ना जितने भी फेसबुक के जरिया से यूट्यूब के जरिया से देख रहे, हम सारे खादम मिलकर इन तेरे प्यारों के लिए भी बरकत चाहते हैं, तेरे मस्सा को चाहते हैं। अगर जो फेसबुक के जरिया से जितनी प्रेयर कास्ट को लिंक कर तेरी हाजिरी में पेश किया गया, तो उन सब के लिए हम तेरी बरकत चाहते हैं। मेरी बहन नसीम लाल फैमिली के लिए तेरी बरकत चाहते हैं, जिन्होंने थाईलैंड से लिखा कि आज उनके बेटे सिशान की तेल मेहंदी की रस्म है। हम देख खुदा इस घराने को फैमिली को जो थाईलैंड से देख रहे हैं, हम तेरे खास मस्सा को चाहते हैं। आज के सारे फंक्शन के अंदर इनके प्रोग्राम में उनकी मदद और रहनुमाई करना, ताकि तेरा जलाल देखे। अगर जहां जहां से भी तेरे बेटे बेटियां देख रहे हैं, और जो भी एप्लीकेशंस के अंदर लिखकर फेसबुक के जरिया से पेश किया गया, तो हम तेरे मस्सा को चाहते हैं, ताकि फेसबुक के जरिया से यूट्यूब के जरिया से तेरा पाकरो इनकी जिंदगियों के अंदर काम करे। और मेरे भाई पत्रस व्यास साहब ने लिखा अमेरिका से कि हमारी फैमिली के लिए जरूर दुआ की जाए, तो देव खुदा मैं तेरे बंदा पत्रस व्यास साहब के लिए, उनकी मिसेस के लिए, बच्चों के लिए तेरी खास बरकत चाहते हैं, तेरा पाकरो उनकी जिंदगियों के अंदर अजलाली काम करे और वो तेरे नाम में
फता पाए। इसी तरह नहीं खुदा अपने स्प्रे सेंटर के लिए तेरा शुक्रिया अदा करते हैं। इंटरनल चर्च पाकिस्तान के लिए तेरी बरकत चाहते हैं। आईस टीवी के लिए हम तेरी बरकत चाहते हैं। इंटरनल टीवी के लिए हम तेरा शुक्रिया अदा करते हैं। अपने बड़े भाई पासा फजल साहब के लिए उनकी मिसेस के लिए तेरी बरकत चाहते हैं। जबकि तेरा खादम तेरी खादमा अमेरिका के अंदर है, सब तो अपने खादम को और ज्यादा अपने जलाल के लिए इस्तेमाल कर। बच्चों को बरकत देते हैं, अपने आप के लिए, अपनी वाइफ के लिए, बच्चों के लिए, घराने के लिए, फजल फैमिली के लिए तेरी बरकत चाहते हैं। और अपनी टीम के इन सारे खादमों के लिए जो रात यहाँ पर लोगों के लिए दुआ करते हैं, बरकत चाहते हैं। खादमाए पाखुदा सब के लिए बरकत चाहते हैं। बुन्ने भाई के लिए जो हर रोज सोड अप्रेट करते हैं, तेरे मस्सा को चाहते हैं। आदल के लिए, शुपाइल के लिए, इसहाद के लिए जो वीडियो बनाते हैं और पूरी दुनिया के लोग फेसबुक के जरिए से, यूट्यूब के जरिए से बरकत पाते हैं। हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं अपने मुल्क के पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान की गवर्नमेंट के लिए, पाकिस्तान के इदारों के लिए हम तेरी बरकत चाहते हैं। और तमाम चर्चेस के लिए, तमाम डिनोमिनेशंस के लिए हम तेरी बरकत चाहते हैं। तमाम बिशप साहबान के लिए, तमाम फादर साहबान के लिए, तमाम पास्टर साहबान के लिए, एल्डर्स के लिए, डीकन्स के लिए, एवेंजेलिस्ट्स के लिए, मुबशरों के लिए, सिस्टर्स के लिए, पाखुदा जितने बहन भाई खिदमत करते हैं उन सब के लिए हम तेरे मस्सा को चाहते हैं। महाराज की इबादत का सारा ऑनर, सारा इज्जत और जलाल हम अपने हाथों को उठाकर तेरे बेटे खुदावंद यीशु मसीह नासरी के नाम को देते हैं, मसीह के नाम से आमीन। आइए दोनों हाथों को उठाएं, मिलकर बोलेंगे, है हमारे बाप तू जो आसमान पर है, फसल खुद बाप की मोहब्बत पाक की रफाकत और शराकत अब से लेकर हमेशा तक हम सब के साथ, दुनिया के तमाम मकसीन के साथ, बिलखसूस हाजिर जमात के तमाम खानदानों के साथ, और जितने भी फेसबुक के जरिए से, यूट्यूब के जरिए से देख रहे हैं उन सब के घरानों के साथ, खानदानों के साथ अब से लेकर अब्दुल अब्बाद तक रहती रहे, आमीन। बाप और बेटे और हुकुस के नाम में आमीन। मसीह के आप सबको सलाम, सलामती के साथ जाइए जी। गॉड ब्लेस यू ऑल। अपना ख्याल रखिएगा, इजाज़त दीजिएगा, फिर मिलेंगे। वी लव पाकिस्तान, पाकिस्तान जिंदाबाद।